क्या आप जानते हैं कि पुराने ट्रक के पीछे हॉर्न ओके क्यों लिखा होता है? या फिर क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में ताबूत पर घंटी क्यों लटकाई जाती थी? और क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहां कुत्ते को बाहर ना घुमाने पर मालिक को जेल की सजा हो सकती है? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, ब्रिटेन में विक्टोरियन एरा के दौरान ताबूत में घंटी लगाने का नियम था, जिसके तहत जमीन के अंदर दफन कब्र के ऊपर घंटी लटकती रहती थी। दरअसल प्राचीन ब्रिटेन में एक खास नियम बनाया गया था, जिसके तहत जब किसी इंसान की मृत्यु होती थी तो उसके ताबूत को एक घंटी से जोड़ दिया जाता था। इस ताबूत से एक रस्सी बाहर निकलती थी जो जमीन के ऊपर कब्र पर लटक रही घंटी से बंधी होती थी। अगर ताबूत के अंदर दफने व्यक्ति किसी वजह से जिंदा होता और उसे होश आता तो वो रस्सी से बंधी घंटी को बजा सकता था। ऐसा करने से कब्रिस्तान में लोगों को पता चल जाता था कि कब्र के अंदर दफने व्यक्ति जिंदा है और फिर उसे बाहर निकाल लिया जाता था, जिसकी वजह से ताबूत के अंदर कैद व्यक्ति की दम घुटने की वजह से मौत नहीं होती थी। प्राचीन दौर में ऐसे कई मामले सामने आते थे जिसमें व्यक्ति की सांसें कुछ देर के लिए रुक जाती थीं और परिवार वाले उसे मृत समझकर ताबूत में दफन कर देते थे, लेकिन कुछ घंटों बाद ताबूत में दफने व्यक्ति को होश आता था पर वो चाहकर भी अपनी कब्र से बाहर नहीं निकल सकता था और ना ही मदद के लिए किसी को आवाज दे सकता था। लिहाजा विक्टोरियन एरा में कब्र के ऊपर घंटी लगाई जाती थी, जिससे गलती से दफन किए गए जिंदा व्यक्ति को ताबूत से बाहर निकालना आसान हो जाता था। फैक्ट नंबर टू, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे देशों में 1600 के दशक में सिन ईटर की नौकरी बहुत ही प्रसिद्ध थी, जिसमें इस जॉब को करने वाले व्यक्ति को मरने वाले व्यक्ति के पाप खाने पड़ते थे। दरअसल उस दौर के लोगों का मानना था कि अगर इंसान बिना पाप लिए मरेगा तो उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके लिए सिन ईटर को बुलाया जाता था, जो आखिरी सांसें गिन रहे व्यक्ति के सीने पर एक ब्रेड का टुकड़ा रखता था और फिर उस ब्रेड को पानी के साथ खा जाता था। ये माना जाता था कि ब्रेड मृत व्यक्ति के सारे पाप सोख लेती है और फिर उस ब्रेड को खाने वाले व्यक्ति के अंदर सारे पाप चले जाते हैं, जिसके बदले सिन ईटर को कुछ पैसे दे दिए जाते थे। हालांकि इस जॉब को करने वाले लोगों को गांव और घरों से दूर एकांत में रहने की सलाह दी जाती थी, जबकि वो आम लोगों की तरह बाजार में घूम नहीं सकते थे और ना ही लोगों के जश्न और खुशी में शामिल हो सकते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि सिन ईटर अपने ऊपर इतने पाप ले चुका है कि उसके आसपास नकारात्मक शक्तियां रहती हैं। फैक्ट नंबर थ्री, समुद्र किनारे कई लोग रेत से खेलते हैं या फिर उसके ऊपर अलग अलग कलाकृतियां बनाते हैं, लेकिन स्पेन में इस तरह का काम करने पर व्यक्ति को सीधे जेल की सजा हो सकती है। दरअसल स्पेन के एक कानून के हिसाब से समुद्र किनारे रेत पर कलाकृति बनाना या फिर रेत से खेलना सख्त मना है, जबकि इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर फाइन लगाया जाता है और कुछ मामलों में अपराधी को जेल की सजा भी हो सकती है। स्पेन सरकार का मानना है कि समुद्र किनारे रेत पर कलाकृति करने या फिर रेत से खेलने पर उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जबकि बीच की सुंदरता पर भी बुरा असर पड़ता है। समुद्री किनारे की रेत को सुंदर और सामान्य बनाए रखने के लिए इस नियम को लागू किया है, जिसकी वजह से स्पेन के कई लोग बच्चों के साथ बीच पर जाना ही पसंद नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर फोर, भारत समेत कई देशों में लोग पालतू जानवर के रूप में कुत्ते को पालना पसंद करते हैं, जिसे दिन में एक बार बाहर घुमाने ले जाना जरूरी होता है। लेकिन इटली के तुरीन शहर में अगर कोई इंसान घर पर पालतू कुत्ता रखता है तो उसे 24 घंटे में कम से कम 3 बार कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाना पड़ता है। सरकार का मानना है कि लोग अपने मनोरंजन के लिए कुत्ते को घर पर पालतू बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कुत्ते को बाहर घूमना और खेलना पसंद होता है और अगर कुत्ते को बाहर ना ले जाया जाए तो वो तनाव और अवसाद का शिकार हो सकता है। लिहाजा पालतू कुत्तों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये खास नियम बनाया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर कुत्ते के मालिक को 1 साल जेल की सजा हो सकती है या फिर उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर फाइव, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि सड़क पर चलने वाले पुराने ट्रक पर हॉर्न ओके प्लीज लिखा होता है, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? दरअसल पुराने ट्रकों में साइड मिरर नहीं होता था, जिसकी वजह से ड्राइवर को पीछे से आने वाली गाड़ियों या फिर ट्रक को ओवरटेक करने वाली गाड़ियों का पता नहीं चल पाता था। पुराने ट्रक के पीछे हॉर्न ओके लिख दिया जाता था ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियां साइड मांगने के लिए हॉर्न बजाएं, और इससे ड्राइवर को पता चल जाता था कि पीछे से आने वाली गाड़ी ट्रक को ओवरटेक करना चाहती है। इससे सड़क दुर्घटना के चांस बेहद कम हो जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में ट्रक में साइड मिरर होने के बावजूद भी एक परंपरा के तौर पर हॉर्न ओके प्लीज लिखा जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।